नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा निगम और आप देख रहे हैं आज की नई नौकरी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक और नए फार्म से आता है। यह फार्म है दोस्तों UPSSC वरियस पोस्ट की तरफ फार्म आई है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको इसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी पद आई है और इसमें क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन आएगा दोस्तों उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नए नए फार्मों की। दोस्तों अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नए नए फार्मों की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर और आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं UPSSC वरियस पोस्ट ऑनलाइन फार्म 2018। यहां पर देखिए पद दिया गया है सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी की, और यहां पर देखिए दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण प्रयाकेश, और यहां पर प्रतियोगितात्मक और परीक्षा रिकमेंड 2018 पद दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट है 1953। इम्पोर्टेंट डेट की देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट हो गई है 30 मई 2018 को और लास्ट डेट 25 जून 2018 तक रखी गई है। और लास्ट डेट पेमेंट का देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 27 जून 2018 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरे फार्म भरने की अंतिम तारीख है दोस्तों 29 जून 2018 तक, आप पूरे फाइनल सबमिट कर सकते हैं इस फार्म को। यहाँ पे एडमिट कार्ड एग्जाम डेट नॉट डिक्लेयर दिया गया है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल OBC के लिए 185 रुपये रखी गई है, SC ST के लिए 95 रुपये रखी गई है दोस्तों, और यहीं PH फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये रखी गई है। पेमेंट मोड दे सकते हैं, यहाँ पर आप इसका पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक चालान के द्वारा आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दे सकते हैं आपकी कैलकुलेट 1 जुलाई 2018 से, मिनिमम 18 वर्ष तक होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आपका इसमें उम्र होना चाहिए इस फार्म को भरने के लिए। और यहाँ पर देखिए फॉर एज रिलैक्सेशन डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का, आप जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, आपकी देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास होने चाहिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और साथ में आपकी नैली CCC की सर्टिफिकेट होनी चाहिए तो आप इस फार्म को भर पाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं यहीं पर ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जनरल के लिए 841 पोस्ट रखी गई, 841 पोस्ट है। OBC के लिए 370 पोस्ट है दोस्तों, SC के लिए 296 पोस्ट है, और यहीं ST के लिए 20 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर टोटल पोस्ट हो जी 1527 पोस्ट है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, और यहीं ग्राम विकास अधिकारी के लिए जनरल के लिए 182 पोस्ट है, OBC के लिए 97 पोस्ट है, SC के लिए 76 पोस्ट है दोस्तों, और ST के लिए 7 पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट 362 है। और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पोस्ट दिया गया है समाज कल्याण प्रायवेकस के लिए, देखिए जनरल के लिए 33 दिया गया है, OBC के लिए 17 दिया गया है, और SC के लिए 14, ST के लिए कोई भी पद नहीं है इसमें। और यहाँ पर टोटल पोस्ट है 64 दोस्तों, यहाँ पर टोटल पोस्ट हो गई 1953। और देखिए दोस्तों इसका अप्लाई ऑनलाइन का और नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप अच्छे से रीड कर लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं नए नए फार्मों की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आपको अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।